माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि मालवी पगड़ी पहनाकर शेरे हिंदुस्तान का अभिवादन करें। ये मालवा की धरती पर मालवी पगड़ी, राकेश सिंह जी दुपट्टा डालकर स्वागत करेंगे और पूरे मंच की तरफ से एक बड़ी माला से माननीय मोदी जी का हम सब पूरे इंदौर शहर की ओर से स्वागत करेंगे, शेरे हिंदुस्तान का। अब मैं इंदौर की शान और देश का मान, लोकसभा की स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर शेरे हिंदुस्तान का शब्दों में अभिनंदन करें। आप सब लोगों ने चिल्ला के स्वागत किया है मोदी जी का, अब मैं थोड़ा शब्दों से स्वागत करूं, मगर उसके पहले मैं आप सभी को आज मातृ दिवस की, मदर्स डे की बधाई देती हूं, क्योंकि ये बधाई केवल माँ को नहीं, जब माँ को बधाई दी जाती है तो पूरे परिवार को बधाई हो जाती है। आज हमारे बीच में भारत माता का एक ऐसा सपूत जो भारत माता का मान सम्मान, इसकी सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है, ऐसा सुपुत्र माननीय मोदी जी के रूप में आज हमारे बीच में प्रस्तुत है आए हैं। आप सभी जानते हैं माँ का सम्मान करना हम सभी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने अनेकानेक योजनाएं चला करके, जैसे कि हम देखते हैं कि उन्होंने ये देखा कि मेरी माताएं, मेरी बहनें जिनके आंखों से खाना बनाते समय धुएं से आंसू निकलते हैं, धुएं से उनकी तबीयत बिगड़ती है, अब उसका हम सामना कैसे करें, ये कष्ट कैसे दूर करें। और माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते से ही 6 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा और गैस की टंकी दे करके उनके आंसू पोंछे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करी है। एक माँ चाहती है अपना एक घर हो, अपने बच्चे के सिर पर छत हो। माननीय मोदी जी ने माँ का ये भी सपना पूरा करने का ठाना है। और आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तो 1,30,00,000 से ज़्यादा मकान ज़रूरतमंद को दिए गए हैं, और आने वाले 2022 तक उन्होंने प्रण किया है आप सबके सहयोग से कि इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति बिना छत का, बिना घर का नहीं रहेगा। ऐसे माननीय मोदी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। माता का सम्मान, माता को सक्षम बनाना,
चाहे जनधन योजना हो चाहे दूसरी योजना हो, मगर एक बात आखिरी में इतनी कहूंगी, योजना का नाम भी देते हैं तो मातृवंदना, इसमें वो संस्कार दिखते हैं जो भारतीय संस्कार है। और जिनके नेतृत्व में मैं ये कहूंगी कि इस देश की 125 करोड़ जनता ने, नागरिकों ने, उनके मन में ये विश्वास हो गया है कि हाँ, बिना भ्रष्टाचार के भी सरकार होती है, काम करती है, एक तद्दन ईमानदार सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। एक बात बताऊंगी, जल स्थल नभ में, जल स्थल नभ में भारत को, भारत माता को सक्षम और समर्थ बनाने वाले हमारे वर्तमान, आज के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भावी प्रधानमंत्री, अब बोलो नाम, बोलो भावी प्रधानमंत्री, ऐसे माननीय मोदी जी का आप सबके तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको जिसका इंतजार था, मैं उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, आप सब चेहरे हिंदुस्तान को आवाज लगाएं और उनसे रूबरू हों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ क्षिप्रा और माँ अहल्याबाई की इस पवित्र नगरी को, यहाँ के लोगों को सादर प्रणाम। मैं एयरपोर्ट पर तो समय पे आ गया था, लेकिन यहां पहुंचने में विलंब हुआ, और विलंब इसलिए हुआ कि आज इंदौर ने जो अभूतपूर्व प्रेम दिखाया, जो आशीर्वाद दिए, एयरपोर्ट से यहां तक दोनों तरफ ह्यूमन वॉल था। शायद मैं भाषण न करता और इतना रोड शो करके चला जाता तो भी पूरा मध्य प्रदेश के अखबार भरे रहते कि मोदी का रोड शो जबरदस्त हुआ। इतना प्यार आज इंदौर ने मेरे दिल को छू लिया है जी। पुरातन भारत की आस्था, आध्यात्म से लेकर नए हिंदुस्तान के नए अंदाज, नए एटीट्यूड का अगर कोई शहर प्रतीक है तो शहर का नाम इंदौर है। इंदौर ने अहल्याबाई होलकर के रूप में काशी सहित पूरे भारत में अध्यात्म और मानवता की भलाई के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व दिया। तो बीते 5 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारत की अगुवाई की मां अहल्याबाई ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए जो सपना देखा था उसको बाबा के आशीर्वाद से
पूरा करने की कोशिश आज मेरे काशीवासी कर रहे हैं। बनारस का एक सांसद होने के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। इंदौर से मेरा विशेष ने इसलिए भी रहा है क्योंकि ये सुमित्रा ताई का शहर है। नौ बार इस शहर ने उन्हें चुन करके देश की सेवा करने के लिए भेजा, संसद में भेजा और स्पीकर के तौर पर सुमित्रा ताई की उन्होंने जो कुशलता से संयम से कार्य किया उससे न सिर्फ मैं, जो भी पार्लियामेंट चल रही थी उस समय अगर टीवी देखने की आदि थे उन सब के मन पे ताई ने एक अमिट छाप छोड़ी है। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आपको तो इतना लगेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारी पार्टी में मोदी जी को भी अगर कोई डांट सकता है तो ताई डांट सकती है। सुमित्रा ताई इस बार इस पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को लड़ा रही है और एक नया इतिहास बना रही है। लेकिन साथियों, मुझे ताई जी के साथ संगठन में काम करने का मौका मिला है, हमने एक साथी के रूप में काम किया है। उनका कार्य के प्रति समर्पण सामान्य मानवीय की जिंदगी के लिए कुछ कर गुजरने के उनके इरादे, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं इंदौर को विश्वास दिलाता हूं कि शहर के विकास में ताई जी की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, ये विश्वास देने के लिए मैं आज इंदौर वासियों के पास आया। साथियों, इंदौर और मध्य प्रदेश का मैं एक और बात के लिए आभारी हूं। आपने मेरे एक आग्रह को बहुत गंभीरता से सफल बनाया और वो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान अगर भारत के सामान्य मानवीय की सोच तक पहुंचा है तो इसके हकदार इंदौर के मेरे सभी भाई बहन हैं। साथियों, हमने अक्सर देश में सत्तारूढ़ सरकार को हटाने के लिए जनता को खड़े होते देखा है, लेकिन इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, इस बार इस सरकार को दोबारा चुनने के लिए देश खड़ा हो गया है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि देश का वोटर बहुत साइलेंट होता है, लेकिन इस बार जनता बोल रही है, जोर जोर से बोल रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता
जिनकी नींद हराम हो गई है, अब उन्होंने बोलने में संतुलन भी खो दिया है, बौखलाए हैं। साथियों, 2014 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का था, 2019 का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। 2014 में भ्रष्टाचार, वंशवाद और पॉलिसी पैरालिसिस के खिलाफ आक्रोश चरम पर था। 2019 में जनता का विश्वास चरम पर है। 2014 में देश ने मोदी और मोदी के काम के बारे में सिर्फ सुना था। 2019 में देश मोदी के काम को जानने लगा है। 2019 का चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता लड़ रही है। 130 करोड़ देशवासी इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, मेरी निष्ठा, मेरी नीयत और मेरी नीति का आकलन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे इरादों में कोई खोट नहीं निकाल सकता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता से निरंतर संवाद करता हूं। मैंने कभी भी एयर कंडीशन कैब कमरों में बैठ करके मौज मस्ती नहीं मारी है। नीति निर्माण पर मैंने बाबूगिरी की दुनिया छोड़ करके जन भागीदारी से देश में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में हमने टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी, इस पर विशेष ध्यान दिया है। आज आप देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग कहां पहुंची है। देखते ही देखते भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, दुनिया का तीसरा। हमारे युवा साथियों को भरपूर अवसर मिल सके, इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में हम इस इकोसिस्टम को, स्टार्टअप की फंडिंग को और सशक्त करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जो अगली औद्योगिक क्रांति है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर ही आधारित होगी। इसके लिए हम देश को तैयार कर रहे हैं। आज देश भर के स्कूलों में हम 6th क्लास के बच्चों को ही अटल टिंकरिंग लैब उपलब्ध करा रहे हैं। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक सुधार है। भविष्य में
यहीं से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के लिए हमारा टेम्परामेंट विकसित होने वाला है। भाइयों और बहनों, यही नए संस्थान नए भारत की नई पहचान बनने वाले हैं। हमारे युवा साथियों की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाले हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार हमने गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है, उससे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस उस सपने को साकार करने में बहुत मदद मिली है। बीते 5 वर्षों में फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। सर्विसेज की डिलीवरी सटीक और फास्ट हुई है और सबसे बड़ी बात, जनता की पहुंच सिस्टम तक बढ़ी है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है। साथियों, जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM जेम की ट्रिनिटी से बीते 5 वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक। इंदौर वालों, ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, 5 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हिंदुस्तान का खजाना, जिस पर आपका अधिकार है, हिंदुस्तान का खजाने के मालिक आप है। लेकिन पहले ऐसी सरकारें चलती थी, 1,00,000 करोड़ रुपया, ये आंकड़ा मामूली नहीं है, सरकारी तिजोरी में से आया हुआ रुपया गलत हाथों में चला जाता था। मोदी ने उसको रोक लिया है दोस्त। वहीं 5 वर्ष में करीब 6,00,000 करोड़ रुपया का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में गया है, यानी बिचौलिए भी गायब और देश के ईमानदार टैक्स पेयर के लिए उनके जो पैसों की लूट होती थी, उस लूट को भी मैंने बचा लिया है। साथियों, ये पहली सरकार है जिसने ईमानदार टैक्स पेयर को इतना सम्मान दिया है। ये पहली सरकार है जिसने मिडिल क्लास की जरूरतों को, उसका आशाओं आकांक्षाओं को इतना मान और सम्मान दिया है। आज देश में 5,00,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। ये मांग देश का मिडिल क्लास सालों से कर रहा था, ये काम भी इस चौकीदार ने कर दिया। हमने महंगाई कम की है, घर की EMI कम की है, भाइयों बहनों बढ़ाने के लिए हम देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बनकर उभर रहा है। यहां इंदौर में ही सुपर कॉरिडोर सहित IT पार्क और बिजनेस पार्क है। करीब 5,000 छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। आज भारत ऑटो, रेल कोच, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तरक्की कर रहा है।
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हो गए हैं। आप सभी को याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक नामदार यहां आकर कह गए थे कि मेक इन इंदौर और मेक इन मंदसौर मोबाइल फोन बनाऊंगा। ऐसा कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था? इंदौर वाले भूल जाते हैं। कहा था? किसने कहा था? लेकिन इतना गाजे बाजे से कहा और यहां के मीडिया ने बहुत आन बान शान से छापा भी, जरा विशेष कृपा रहती है उन पर। लेकिन कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में ये वादा को भुला दिया गया है, उल्लेख तक नहीं है, कोई अखबार वाला लिखेगा नहीं, क्योंकि सरकार बदल गई है ना। खैर, कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनका तो अहंकार तीन शब्दों में प्रकट होता है, तीन शब्दों में। ये तीन शब्द कांग्रेस के अहंकार की पहचान है। ये तीन शब्द कांग्रेस देश के लोगों की तरफ कैसे देखती है उसका जीता जागता सबूत है। ये तीन शब्द ये ऐसे शब्द है कि जिसको सुनने के बाद हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस को और उसके महामिलावटी साथियों को एक दिन भी सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। ये तीन शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? पहले तो इंदौर वालों को सलाम, क्योंकि आपको मालूम है आप जागरूक है। अभी नामदार के गुरु ने और ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी की सोच बोल रही है। और क्या बोला? हुआ तो हुआ। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होना था, किसानों के घर आज पुलिस आ रही है, बैंक किसानों को कर्ज नहीं दे रहे, और ये कहते हैं पूरी ताकत से बोला उनको सुनाई दे, ये कहते हैं और इंदौर की जनता कहती है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि बिजली के बिल के बजाय बिजली की सप्लाई हाफ क्यों हुई? कांग्रेस कहते हैं यहां का कर्मचारी पूछ रहा है कि बेवजह मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ? ये कहते हैं इतना अहंकार इनमें भरा हुआ है कि ये सोचते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और लोग मान लेंगे।
कांग्रेस वाले समझ लो ये 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है। 4 साल का बच्चा भी जानता है आप कौन हो। इंदौर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वंशवाद के पेड़ पर चढ़कर इन लोगों को पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन सोच और विजन नहीं मिल सकता है। जब विजन नहीं होता, जब ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ फैलाना पड़ता है। यही कारण है कि आज कांग्रेस देश की डिफेंस पॉलिसी, हमारी रक्षा नीति ये डिस्कस ही नहीं करना चाहती। कांग्रेस कहती है कि मोदी आतंकवाद का मुद्दा क्यों उठाता है। आप मुझे बताइए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? ऐसे जवाब नहीं चलता। इंदौर वाले तो दिल खोल करके बोलते हैं, पोहा खिलाते हैं तो प्यार से खिलाते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इंदौर महानगर पालिका का चुनाव है क्या? ये हिंदुस्तान का चुनाव है। इंदौर महानगर पालिका चुनाव में खंभे, बिजली, पाइप, बगीचा, सफाई, गटर, पानी, ये तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या हिंदुस्तान का चुनाव होगा? जिस हिंदुस्तान की सरकार रक्षा बजट बनाती है, जो हिंदुस्तान की सरकार को सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी होती है, जिस देश में आए दिन 2014 के पहले बम धमाके होते थे, बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में हुआ कि नहीं हुआ? पुणे में हुआ कि नहीं हुआ? बनारस में हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या में हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? मैं इतनी बड़ी लिस्ट बता सकता हूं। 2014 के बाद बंद क्यों हो गया भाई? क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्या कारण है? क्यों बंद हो गया? अरे आप इंदौर वालों ने गलत जवाब दे दिया। इंदौर वाले गलती नहीं कर सकते जी, इंदौर वालों ने गलत जवाब दे दिया। आप कहते हैं मोदी ने किया, आपका जवाब गलत है, ये आपके एक वोट ने किया है, ये आपके वोट की ताकत है जो देश आज मजबूती से घर में घुस के मारता है। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। भाइयों और बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसकी गलत नीतियों के चलते देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को बल मिला। इनकी सुरक्षा नीति इतनी कमजोर थी कि सैकड़ों लोग बम धमाकों में मारे जाते थे, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, दुनिया इनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह फैला दिया कि भारत में आतंकवाद तो भारत की अंदरूनी समस्या है। आए दिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का
कश्मीर 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 का राग चला जाता गाया जाता था। साथियों बीते 5 वर्ष से सब कुछ बंद हो गया। अब पाकिस्तान को हर जगह पे जाकर के जवाब देना पड़ता है कि वो आतंकवाद करेगा कि नहीं करेगा। भाइयों बहनों, और ये मोदी है। अब इंदौर वाले मुझे जानते हो ना भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है। अब भारत घर में घुस करके मारता है और उसके बावजूद भी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहती है। पाकिस्तान का कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मुझे यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घर में घुसकर मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? क्या रोते बैठना चाहिए क्या? मेरे जवान मारे जाए मैं चुप रहूं क्या? आप मुझे बताइए, आज इस लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, मालूम है ना? बहुत लोग कतार में खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, बहुत लोग हैं। कर्नाटक में तो 8 सीट लड़ने वाले भी ये सोचते हैं कि इस बार उनका नंबर लग जाएगा। 20 सीट वाले भी सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 30 सीट लड़ने वाले भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे सुनो भाई, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, मैं बोलना शुरू करूं? अरे इंदौर वाले इतने प्यार कर रहे हो, फिर ताई को मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। 8 सीट वाला भी सोचता है उसका नंबर लगेगा, 20 सीट लड़ रहा है वो भी सोच रहा है, 30 सीट लड़ रहा है वो भी सोच रहा है। कुछ लोगों ने तो दर्जी भी चुनाव सिलेक्ट कर लिए, कपड़े बनवा लिए। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने चेहरे दिखाई देते हैं, कौन है, कौन है जो आतंकवाद से लड़ सकता है? ये मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए मत बोलो, सच में बताओ, आतंकवाद से कौन लड़ सकता है? आतंकवाद से कौन मुकाबला कर सकता है? देश की रक्षा कौन कर सकता है? आपको पूरा भरोसा है? मैं आपका बहुत आभारी हूं। कांग्रेस और उसके महामलावाती देश की सुरक्षा पर बहस करने की हिम्मत नहीं कर रही जी, क्योंकि बहस करेंगे तो उनको 70 साल के उनके पापों का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए भाग जाते हैं। साथियों याद करिए, इन्हीं महामिलावटी लोगों का राज था जब देश में एक साथ 2 बड़े आयोजन करने में सरकार की नींद उड़ जाती थी। और इसी वजह से जब 2009 के चुनाव चल रहे थे और 2014 के चुनाव चल रहे थे, दोनों चुनाव मई महीने में हुए और मई महीने में आईपीएल का मैच होता है, देश का नौजवान मैच देखना चाहता है, वैकेशन है एंजॉय करना चाहता है, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। याद करो, ये ऐसी सरकार बैठी थी कि 2009 और 2014 में उन्होंने कह दिया चुनाव है, हम आईपीएल नहीं करवा सकते, और आईपीएल हिंदुस्तान के बाहर हुआ था। जो लोग एक आईपीएल नहीं करा सकते, और आज क्या है, देखिए सरकार बदलती है, सरकार बदलती है तो क्या क्या बदलता है।
आप देखिए, ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे आपको, मुझे आकर के बताना पड़ रहा है। देखिए चुनाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आईपीएल हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तरफ देश में लोग लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं इसी दौरान अभी नवरात्रि का उत्सव गया, चैत्री नवरात्रि चल रही थी, अभी रामनवमी का उत्सव गया, देश ने आज आन बान शान के साथ मनाया, अभी हनुमान जयंती गई, देश ने आन बान शान के साथ मनाया, अभी ईस्टर का पर्व गया, पूरे देश ने ईस्टर को मनाया, और अभी रमजान भी पूरी धूमधाम से मना रहा है और चुनाव भी चल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बड़ा फोनी चक्रवात तूफान आ गया हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में, और बहुत तेज गति से आया, उसको भी हमने इस प्रकार से हैंडल किया, 12 लाख लोगों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे बसाया, हजारों लोगों की मरने की संभावना थी, बचा लिया, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भारत ने अद्भुत काम करके दिखाया। ये भी चुनाव के दरमियान किया दोस्तों, चुनाव चले, आईपीएल चले, नवरात्रि चले, रामनवमी चले, हनुमान जयंती चले, ईस्टर चले, रमजान चले, और तूफान का भी मुकाबला करे, ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है। लोग वही हैं, अफसर भी वही, दफ्तर भी वही, ब्यूरोक्रेसी वही है, बाबू वही है, सरकारी मशीनरी वही है, टेबल वही, फाइल वही, एजेंसियां भी वही, फिर बदला क्या, क्या बदला, लोग तो वही है। बदली है सरकार की इच्छा शक्ति, कार्य संस्कृति और सरकार की नीयत। हर फैसला जब सिर्फ और सिर्फ देश हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है तो ऐसे ही नतीजे मिलते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की हर चीज वंशवाद और वोट बैंक से डिसाइड होती है। तीन तलाक का मुद्दा लीजिए, कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए मुस्लिम बहनों के साथ जुल्म का विरोध कर रही है। अभी अलवर में जो बेटी से गैंगरेप हुआ, दलित बेटी से हुआ, उसको भी दबाया गया ताकि चुनाव के पहले खबर न फैल जाए, वरना दलित नाराज हो जाएंगे। मैंने आज मायावती को चुनौती दी है, मैंने कहा बहन जी, आपकी पार्टी राजस्थान में सरकार में भागीदार है, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो समर्थन वापस करो, वो तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। बयान देते हैं, हिम्मत नहीं है, नियत नहीं है दोस्तों। साथियों, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है, और सबको सुरक्षा सबका सम्मान, ये हमारा प्रण है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए इस बार पूरी शक्ति से कमल खिलाना है। देश मजबूत बनाना है, देश मजबूत बनाना है, और बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो सरकार मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये चौकीदार भी तो मजबूत होना चाहिए। चौकीदार को मजबूत बनाना है तो अपना बूथ मजबूत बनाओगे, बूथ मजबूत बनाओगे, 19 तारीख को मतदान है, घर घर जाओगे, हर किसी को मिलोगे, देश के लिए समझाओगे,
वोट देने के लिए निकालोगे, पूरी मेहनत करोगे, पूरे पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान इंदौर कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने आए, मैं इंदौर का बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबका बहुत आभारी हूं, और ताई जी के आशीर्वाद के लिए ताई जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आभार प्रदर्शन इंदौर जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सोमानी जी करेंगे। विजय जन संकल्प सभा में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान